सुप्रीम कोर्ट ने खुर्शीद शाह की दरखास्त से जमानत पर समाअत 2 हफ्तों के लिए मुलतवी कर दी। अदालत ने खुर्शीद शाह और उनके बेटे फरुख शाह की दरखास्तों पर नैब को नोटिस जारी कर दिए। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने पीपी रहनुमा खुर्शीद शाह की दरखास्त जमानत पर समाअत की। जिस दौरान खुर्शीद शाह के वकील ने इस्तदा की कि मुकदमा इसी हफ्ते समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि रवां हफ्ते समाअत मुमकिन नहीं, आइंदा हफ्ते कई बेंच क्वेटा में होंगे। फारूक एच नायक ने कहा कि अदालत आइंदा समाअत की तारीख मुकर्रर करे, अहम मुकदमात की पैरवी कर रहा हूं, पेश होना लाजमी होता है। अदालत ने खुर्शीद शाह और उनके बेटे फरुख शाह की दरखास्तों पर नैब को नोटिस जारी कर दिया। दौरान समाअत रजा रबानी ने अपने दलाल में कहा कि खुर्शीद शाह 1 साल से जेल में है, केस 12 जायदादों और 3 अकाउंट से मुतल्लिक है। नायब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि सिंध हाईकोर्ट के फैसले में 9 मुलजिमान को जमानतें मिली हैं, जमानतों के खिलाफ अपीलें दायर कर रखी हैं, उनको भी सुना जाएगा। इस मौके पर अदालत ने 9 मुलजिमान की जमानत मनसूखी के लिए दायर नायब अपीलें भी मुकर्र करने की हिदायत कर दी है। बाद अज़ां अदालत ने खुर्शीद शाह और उनके बेटे फरुख शाह की दरखास्तों पर नायब को नोटिस जारी कर दिया है, जबकि समाअत 2 हफ्तों के लिए मुलतवी कर दी है।